Student, good morning. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 1.4. हम अपने exercise 1.4 को start करेंगे. 1.3 तक हम complete कर चुके हैं. आज हम start कर रहे हैं exercise 1.4. I hope आप सभी ने exercise 1.3 तक अपना काम complete किया होगा. Okay? Now क्या है एक्सरसाइज 1.4 में वो देखो. राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. जो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास हैं उनको हमें एक्सपेंडेड करना है. बट एक्सपेंड का क्या मतलब होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना. मान लीजिए मैंने आप लेके आए एक चिप्स का पैकेट. तो आपने तो सिर्फ इतना देखा है वो चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आया है और इसके अंदर चिप्स है. और मान लीजिए मैं उस चिप्स के पैकेट में आपको डिटेल बताने लग जाऊं, बेटा इसमें इतनी शुगर है, इसमें इतने कैलोरी है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, मतलब उसके बारे में बताना शुरू कर दूं, तो उसे बोलते हैं बेटा एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना. तो इसका मतलब भी होता है एक्सपेंडेड करना, मतलब उस चीज को पूरी खोल के दिखाना. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट है 398720. अब इस नंबर को हमें एक्सपेंड करना है. अब इस नंबर को एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो इधर देखो, सबसे पहले हमें ये फर्स्ट इधर से पहली डिजिट उठानी है और इस डिजिट को यहां लिख देना है. अब इस डिजिट की ये जो नंबर है इसकी शुरुआत कौन से नंबर से हुई, कहां से हुई, इसकी सीरीज क्या है वो देखो. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख. ये बोला जाएगा 3 लैख. क्या बोला जाएगा? 3 लैख. तो बेटा 3, ये तो 3 ही है. 3 लाख कहां से करेंगे? तो 3 लाख यहां से करेंगे इसको. ये जितने नंबर हैं उतनी ही जीरो लगा के और 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 3 लाख आ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. हर नंबर की जगह हमने 0 लिख दिया. देखो ये क्या बन गया? 3 लाख बन गया. बन गया ना? उसके बाद 3 लाख हो गया, ठीक है, प्लस कर दो. ये इसको क्या बोलेंगे? इस नंबर को. अब इसको छोड़ दो, इस नंबर को क्या बोलेंगे? 98,000. क्या बोलेंगे? 98,000. अब एक बात बताइए मुझे, ये जो 9 है इसके पीछे जो जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह पे हमें 0 लगानी है. तो 9 मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई को छोड़ो, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं. मतलब ये है हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे उनको आपको क्या करना है, उनकी जगह पे 0 लिखना है और इस नंबर को पूरा खोल के दिखाना है कि ये 3,98,720 आया कहाँ से है. तो वो देखो यहाँ पे 3, इसके पीछे जितने भी नंबर हैं उनकी जगह 0 लगा दो, ठीक है, प्लस 9. 1, 2, 3, 4. प्लस 8. 1, 2, 3. प्लस 7. 1, 2. प्लस 2. 0. प्लस 0. अब इन सब नंबर को आप ऐड करोगे तो आपके पास यही नंबर आएगा. इसे बोलते हैं एक्सपेंड करना. अब ये देखो, इस नंबर को हमने पूरी अच्छी तरह से खोल के दिखा दिया और इस नंबर को हम ऐड कर सकते हैं. ऐड करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा दोबारा से. सेकंड, 4, 5, 7, 8, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3. 1, 2. ठीक है. उसके बाद थर्ड, 3, 6, 7, 1, 6. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Now fourth, 5, 1, 3.
8 1 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 2 3 1 2 plus 3। अब ये 3 लास्ट वाले डिजिट में ऐसे कैसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इनके पीछे कोई डिजिट ही नहीं है, ये तो वंस प्लेस पे है, और वंस प्लेस पे होगी तो मेरे पास सिंगल डिजिट ही होगी। वंस प्लेस में ओनली सिंगल डिजिट आती है, टेंस पे दो आती है, तो देखो हर टेंस पे मैंने दो ही लिख रखी है। हंड्रेड पे तीन आती है, मैंने हर हंड्रेड प्लेस पे तीन लिख रखी है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फोर टू टू सेवन जीरो वन वन टू थ्री फोर फाइव टू वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू प्लस वन। अब जीरो एक लिखो या दो लिखो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेवन सेवन फाइव सिक्स जीरो सेवन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू सिक्स जीरो प्लस जीरो। सेवेंथ फोर सिक्स थ्री सेवन थ्री जीरो फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू प्लस जीरो। एट सिक्स थ्री सेवन वन फाइव खुद करना है, और नाइन्थ भी आपको खुद से करना है। वन फोर फाइव जीरो वन टू। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको SW के लिए दे दिए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जो डिजिट आप सबसे पहले लिखोगे उसके पीछे जितने नंबर है उनकी जगह पे जीरो लिख दो, प्लस का निशान, दूसरे डिजिट उठाओ उसके पीछे जो नंबर बच गए उनकी जगह पे जीरो लिखो, प्लस का निशान। नाउ थर्ड डिजिट उठाइए उसके पीछे जो नंबर बच गए उसकी जगह पे जीरो, नाउ प्लस लगाइए उसके बाद में जो डिजिट है वो उसके जीरो लगाइए। लास्ट का डिजिट वंस प्लेस पे सिंगल डिजिट होगी जो सबसे लास्ट में होती है, ठीक है बेटा। ये सिंपल सा प्लस जो है ये आप सबको आता होगा, आई होप मैंने समझाया वो समझ भी आया होगा। HW है डू एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल पार्ट्स इन फेयर नोटबुक एंड टेबल 21 to 25। मैं आपको 30 तक टेबल करवाऊंगी, 30 तक टेबल सब बच्चों को आनी चाहिए, फोर्थ क्लास के सभी बच्चों को आनी चाहिए। उसके बाद हम आगे कुछ और देखेंगे, ठीक है। SW आपका एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि ए, क्वेश्चन नंबर ए ऑल पार्ट्स इन फेयर नोटबुक एंड टेबल 21 to 25 लर्न। ये टेबल आपको याद करनी है और आपका जो क्वेश्चन जो काम है वो आपकी फेयर नोटबुक में करना है। आई होप पीछे की जो तीन एक्सरसाइज है वो आप सभी ने की होगी, है ना। देन आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।